जी बैठो, क्या नाम है? सौम्या। खुशी क्या है? ना जानते होते तुम तो मेरे लिए उत्तर देना आसान होता। तय तो तुम सबने ही कर रखा है कि खुशी क्या है, पहले उसको ही देख लो खुशी क्या है। हिंदुस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, चल रहा है ना, तो उनकी टीम जरा सस्ते में आउट हो गई। हिंदुस्तान के लिए ये और न्यूजीलैंड के लिए ये। तुम और तुम्हारी दोस्त दोनों कोशिश कर रहे थे क्लास को टॉप करने की, टॉप तुम कर गई, तो तुम्हारे लिए ये और तुम्हारे दोस्त के लिए ये। हमारे लिए खुशी सिर्फ वो है जो हमारे अहंकार को बढ़ावा देती है, यही है खुशी। मन को बस वही प्रिय लगता है जो मन की धारणाओं को और पुख्ता करे। तुम्हें हंसी ही उन बातों में आएगी जो तुम्हें और ज्यादा अहंकार में ले जाती हैं, और उन्हीं की तुम तलाश करोगे। इससे तुम ये भी समझ जाओगे कि दुख क्या है। अहंकार पे चोट लगती है, उसका नाम है दुख। अहंकार मजबूत होता है, उसका नाम है सुख। बड़ी साधारण सी बात है। अहंकार पे चोट लगी तो दुख, अहंकार मजबूत हुआ तो सुख। तो सुख को कीमती मत मान लेना, सुख तुम्हें और पतन में गिराता है। ये मैं जो साधारण सुख है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जितना तुम्हें सुख मिलेगा और जितना तुम सुख के पीछे भागोगे, तुम उतना ही ज्यादा अपने लिए इंतजाम कर रहे हो नर्क का। और वो नर्क मरने के बाद वाला नहीं है, वो अभी का, इसी क्षण का नर्क है। एक चीज और समझना, तुम अभी यहां बैठी हो, मान लो तुम्हारी सैंडल बहुत टाइट है और दिन भर उसको पहन करके घूम रहे हैं, छाला भी आ गया। वापस जा करके जब तुम उसको उतारोगी तो कैसा महसूस होगा? सुख। वो सुख तुम्हें सिर्फ इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि पहले तुम्हें दिन भर दुख अनुभव करना पड़ा। तो सुख की एक ये बड़ी मजेदार खूबी है कि वो तुम्हें उतना ही मिलता है जितना तुम दुख भोगते हो। मैंने कहा जो लोग सुख के पीछे भागते हैं वो नर्क का इंतजाम कर लेते हैं इसी कारण, क्योंकि सुख तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने दुख भोगा है। अतः यदि ज्यादा सुख चाहिए तो ज्यादा दुख इकट्ठा करो। परीक्षा का रिजल्ट लगता है, दो लोग जा रहे हैं रिजल्ट देखने, एक को बड़ा गहरा तनाव है, बड़े दुख में है, उसको नहीं पता कि वो पास होगा कि नहीं, और दूसरा सहज है। दोनों जाते हैं, दोनों देखते हैं कि पास हो गए। ज्यादा सुख किसको मिलेगा? जो जितने तनाव में था कि पता नहीं फेल हो जाएंगे नहीं, वो जैसे ही देखेगा मैं पास हो गया वो नाचना शुरू कर देगा। सुख मिलने के लिए पहले दुखी होना बड़ा जरूरी है। अगर जो दुखी ही नहीं, उसे सुख की कोई तलाश भी नहीं। बात समझ में आ रही है? यही है सुख का नर्क, कि चूंकि तुम्हें सुख चाहिए इस कारण तुम अपने लिए पहले दुख तैयार करोगे। एक तीसरी चीज भी होती है जो ना सुख है ना दुख है, उसको कोई नाम दिया जा सकते हैं, कोई मौज कह सकता है, कोई मस्ती कह सकता है, कोई आनंद कह सकता है, और ये तीनों ही सुख नहीं है, ना मौज ना मस्ती ना आनंद। ये किसी दुख पर निर्भर नहीं करते, मस्ती इस पर नहीं निर्भर करती कि पहले दुखी हो तब मस्त होगे। ये कुछ पाने से नहीं मिलते हैं, इनसे अहंकार और मजबूत नहीं होता है, ये कुछ दूसरी ही चीज है। ये मैं और मेरा पे नहीं पनपते, इनके कोई कारण नहीं होते। अगर तुम पाओ कि मौज का कोई कारण मिल रहा है तो फिर वो मौज नहीं है, वो सुख है। मस्ती का अर्थ है, समझना ध्यान से, मस्ती का अर्थ है निष्प्रयोजन मुस्कान। कोई वजह नहीं है तब भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई कारण नहीं रहता लेकिन फिर भी मूड अच्छा अच्छा सा रहता है। किसी ने हमें कुछ दे नहीं दिया फिर भी मन में बड़ा अनुग्रह है, ग्रेटिट्यूड की भावना है। पता नहीं किसको मन करता रहता है धन्यवाद देने का कि तूने इतना कुछ दे दिया। ये आनंद है, ये मौज है, ये मस्ती है कि इतना मिला है कि बांट दूं सब में, और ये प्रेम है कि बांटते चलो।
ठीक है हुँ? तो मस्ती मौज सुख वुख नहीं, बड़ी ओछी चीज है सुख, ठीक है हुँ?